मीर अली मीर जी को जितना मैं जानता हूँ, कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनकी एक कविता होती है वो जिंदगी भर उसी कविता की कहना चाहिए उसको गाते रहते, लेकिन मीर अली मीर जी लगातार नए साहित्य का सृजन करते हैं, नई कविताएं लिखते हैं और वो कविताएं हम तक पहुंचती हैं। तो कोई ऐसी एक नई कविता जो आपको काफी पसंद हो। नई कविता अभी इसका जैसे आप देख छंदबद्ध कविताओं के बाद ना छंद मुक्त कविताएं आई, फिर नई कविताएं आई जी। तो आपने नई कविता कह दी तो मैं आपको नई कविता ही पढ़ के सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है आफ्टर द टच स्क्रीन। ओके, है ना, अभी मोबाइल टच स्क्रीन में है जी। लेकिन मैंने लिख दिया आफ्टर द टच स्क्रीन कि बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज पर। वाह, बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज पर, अपलक निहारता रहा इस बात का डर था पलकों के झपकने से कहीं शोर हो ना जाए। कि बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज पर, अपलक निहारता रहा इस बात का डर था पलकों के झपकने से कहीं शोर हो ना जाए। कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, अश्कों का वो समंदर पिघलता रहा, कतरे की शक्ल में आंसुओं की लड़ी, लब से टकरा के दामन भिगो तेरे। तो नई कविताओं का तेवर है। जैसे जीवन की सच्चाई आप देखें, मैं दो लाइन में जीवन की सच्चाई बता रहा हूं नई कविता के माध्यम से। कि दो गज जमीन के हिस्से में कितना सुकून है, कि दो गज जमीन के हिस्से में कितना सुकून है, करवट भी बदलने का जब रिवाज नारा। ये है जीवन की सच्चाई। मीर अली मीर जी ने इतनी अच्छी बात कही है मोबाइल पर टच स्क्रीन पर, मुझे भी याद आया कि अब जब से मोबाइल फोन स्मार्ट होने लगे हैं, तो मोबाइल फोन तो स्मार्ट हो रहा है लेकिन मनुष्य का पता नहीं क्या वो क्या हो रहा है। बात की जाए छत्तीसगढ़ में लगातार नए लेखक भी आ रहे हैं, नए कवि भी आ रहे हैं, तो वो जब साहित्य रचना करते हैं, साहित्य सृजन करते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चीज होना चाहिए? हाँ, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में जाता हूँ, जितने भी नवयुवक हैं वर्तमान में लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा विषय चयन के बारे में बताता हूँ कि आप विषय का चयन ऐसा करें और कोई चीज आप यदि लोगों को भेजें, जैसे मैं विषय का चयन कैसे चलते फिरते मैं रेलवे स्टेशन में था, आपको बताऊं एक अनुभव जी जी। रायपुर रेलवे स्टेशन में एक नौजवान, मैंने कपड़े भी बड़े साधारण ढंग के, पैर में जूते चप्पल कुछ नहीं, पता नहीं कब से नहाया है कब से खाया है, उसका हालत इतनी दयनीय भिखारी की तरह दिख रहा था। तो मैं वहां से जब कविता का चयन किया तो उसके बारे में पता किया कि अपनी माँ का इकलौता बेटा था, उसकी माँ छोटे छोटे काम करके, हाँ तो बता रहा था कि एक बूढ़ी माँ छोटा केला बेच करके अपने परिवार को पालती थी, अब जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो उस जवान बेटे की हालत क्या है। वो रोज शाम को अपने माँ से 20 रुपए लेके नशा करता था, अब माँ के नहीं रहने से वो रेलवे स्टेशन में घूम रहा है, जहां तहां गिरे हुए बीड़ी सिगरेट को उठा के पी के नशा करता है, पता नहीं भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है उसको। तो वहां से विषय मिला, वो अपनी माँ को याद करता है, मुझे ऐसा लगा तब मैंने एक विषय चयन किया कि मोर रोज गरिहिन दाई तोला सुरता मघलो पदो थाओ, और नहीं पतियावै कोनो मैं लांगन भूखन सोथाओ।
कि धर्म कमाई चेला बढ़ती मराखे क्योंकि आठेकवा पूरा माँ अब मुहड़ा बनाए कुछ नीन थैली झुमरत रहा है को रामा अब बन भैरा सुमोला धरा दिन ठूठी बीड़ी लपुर कि नहीं पतिया मैं कोनो मैं लागन भूखन सोता कि मोर रोजगार हीन दाई तोला सुरता मघलो पदो था और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लागन भूखन सोता। तो धरती का जो दर्द है, समाज में जो दर्द है, उस दर्द का चयन करें। नशे के आदि इतने हो गए हैं आज के युवा, तो उनको इन नशीली चीजों से हम दूर कैसे लाएं? तो साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है। ऐसे आयोजनों को लेकर के हम गांव-गांव जाएं और प्रयास करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी नशे से दूर हो। बहुत छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं कवि और साहित्यकार होने के नाते गांव-गांव में जाकर जितने हमारे कवि मित्र और लेखक हैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि समाज में आई विकृति को दूर करने के लिए हम गांव-गांव जाएं, जितना प्रयास करें गांव में जाकर के लोगों के संपर्क में आए और एक अच्छा सुदृढ़ छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास करें। यही लेखकों का कर्तव्य है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। इसके पहले वाले सत्र में प्रकाश अवस्थी जी सौभाग्य से हमारे साथ थे, उन्होंने भी चिंता करी है कि कैसे प्रदेश में जो नशे की स्थिति है लगातार गंभीर हो रही है। लेकिन आपने बच्चों की बात की, वो उनका भविष्य वो जाने, लेकिन मीर अली मीर ने बचपन में पहली बार कब सोचा कि मुझे अब कवि बनना है, कविता पढ़नी है और लोगों से उसी हिसाब से कनेक्ट करना है? क्या ये बहुत, मैं चौथी क्लास में था तो हमारे मिश्रा सर थे, बड़े साहित्यिक प्रेमी, हर शनिवार को हमारे स्कूल में, मतलब प्राइमरी स्कूल से ही जी। तो अब बताइए 62 जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था 1962 में, उस समय हम एक नाटक किए थे, वहां पर मेरे को उन्होंने कविता लिख के दी थी, उसको मैं मंच पे पढ़ा था, आज तक मुझे याद है। लगता है वहीं से जीवन में परिवर्तन आया। उसमें वो कविता की पंक्तियां थी कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है। वाह। रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। क्या बात है। कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। तो विद्यार्थी जीवन से एक नयापन आया, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते 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 जब मैं राजिम में हायर सेकेंडरी के लिए एडमिट हुआ, 9वीं 10वीं 11वीं शिक्षा मुझे राजिम में मिली, तो राजिम में साहित्यिक माहौल था। तब मैं पहले दूसरे की रचनाओं को लेकर के मंच में पढ़ा करता था, दूसरे के द्वारा लिखे गए। हमारे चाचा श्री अली मीर जी वहां पे सरकारी नौकरी में थे तो उनके माध्यम से रचनाएं मिलती थी, वो मेरे लिए भाषण और कविता लिखा करते, उनको पढ़ता था मैं। उन्होंने प्रेरणा दी कि बेटा हर बार हर साल तुम बोलते हो लिखने के लिए, खुद क्यों नहीं प्रयास करते। तब मैं विद्यार्थी जीवन में 1969 में मैंने जो कलम उठाई है वहां से लेखनी का मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, और मैं 9th क्लास से लेकर के लगातार गीत और कविता और छोटी मोटी कहानियां संस्मरण के माध्यम से लोगों के बीच जाता हूं। ये मेरी काव्य यात्रा 1969 से है जब अपोलो 11 चंद्रयान में उतरा था जी। तो हम लोग अपने स्कूल में, हमारे क्लास टीचर ने ट्रांजिस्टर ला के रख दिया था टेबल के ऊपर, और हम वो आर्मस्ट्रांग जब वहां पे पहुंचे चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा में, तो उसकी कॉमेंट्री आ रही थी अंग्रेजी में। उस समय तो इतना ज्ञान था नहीं, लेकिन हमारे शिक्षक हमको बिल्कुल विज्ञान से भी जोड़ के रखा करते थे। तो ऐसे
क्षेत्र में रहकर ऐसे लोगों के बीच में रहकर साहित्यिक गतिविधियां को जानकर लिखने का प्रयास किया जो आज तक लगातार चल रहा है और निश्चित रूप से आगे भी हम इस लेखनी से दूर नहीं हटेंगे और लगातार लिखने का प्रयास करेंगे। लगातार हम लिखते रहेंगे, साहित्य की यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी, टीआरपी का मंच भी इसी तरह से सजा रहेगा और लोग आते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं अभी भी, क्योंकि सत्र मुझे कंक्लूड करना है और समय की सीमाएं मेरे लिए तय है, उसके बाद भी मैं अपनी जिम्मेदारी पे एक कविता और सुनना चाहूंगा, क्योंकि समय बढ़ाना है, उसके बाद भी एक कविता और उसके बाद हम समय समाप्त करेंगे और सत्र का कंक्लूड करेंगे। चलो, छत्तीसगढ़ी में मैं रमई पाट। जी सर, माता सीता के मंदिर रमई पाट में है, तो वहाँ गंगा मैया गुप्त रूप से माँ के सेवा में आए के पावन जल माटी चुप रे बरे इहे खलबल खलबल आथीना और रमई पाट में जाके देखो गंगा उहो आथीना। ये छत्तीसगढ़ के उत्ती के बेरा संग रेंगे पाँव पाँव और मीठ मैना कस बोली भाखा गुजे गाँव गाँव के उत्ती के बेरा संग रेंगे पाँव पाँव और मीठ मैना कस बोली भाखा गुंजे गाँव गाँव रुख राई के छाँव चिरई चुरगुन के ठाँव तरिया नंदिया चिर गाँव गोतियारी ओ मुर छत्तीसगढ़ मन तारी के डोंगरी पहाड़ चातर राज भर मावे और लस लस ले अमा मोरे कोयली पर घावे के डोंगरी पहाड़ चातर राज भर मावे और लस लस ले अमा मोरे कोयली पर घावे के पड़की के देना खनका गुंजे ठाव ठाव रुख राई के छाव चिरई चुरगुन के ठाव तरिया नंदिया चिर गाँव गोतियारी मोर छत्तीसगढ़ मंगतारी। तो ये थी मीर अली मीर, जिनकी कविताओं के नाव में बैठकर हमने खा आखिरकार इस इंटरव्यू को पार किया है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मीर अली मीर को जब आप सुनते हैं तो उनमें कोई भाषा की बैरियर नहीं है, भाषा का किसी प्रकार का बैरियर नहीं है, वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो उर्दू में भी लिख सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ी में तो लिखते ही हैं। उनके पास ना धर्म का बैरियर है, ना जाति का बैरियर है, देश कहाँ लड़ रहा है आप उदाहरण देखिए इनको, आप सब समझ जाएंगे। बहरहाल मंच इसी तरह से सजा रहेगा, लोग आते रहेंगे, साहित्य पर बात होती रहेगी। मीर अली मीर जी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा सर। टीआरपी न्यूज देख रहे थे आप।